हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराऊंगी सोशल रिफॉर्म, और इसी में आपका वुमेन्स राइट्स भी हो जाएगा कि औरतों के राइट्स के लिए क्या क्या किया गया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको बताऊंगी कि सोशल रिफॉर्म का इसमें मीनिंग क्या आ जाता है और आप क्या क्या इसमें लिख सकते हैं, यानी जो सामाजिक तौर पर जो सुधार किए गए थे औरतों की स्थिति को सुधारने के लिए, वो सोशल रिफॉर्म्स कहलाए। अभी किस में क्या है कि आप देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जिन जिन के बारे में, जिन भी ऑथर्स या जो भी सोशल रिफॉर्मर्स थी उनके बारे में मैं बता रही हूँ, आप उन्हीं के बारे में लिखें। आपने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं जिनमें लेडीज़ के लिए यानी कि फीमेल्स के लिए जो भी किसी ने अच्छे कदम उठाए, उन सब के बारे में भी आप लिख सकते हैं, तो उससे भी आपका ये ऐसे पूरा हो जाता है। चलिए, तो फिलहाल मैं आपको बताती हूँ जो पहले क्या था। द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी वॉज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यानी कि औरत को कोई रोल ही नहीं माना जाता था। औरत को ये माना जाता था कि वो सोसाइटी में कोई मेजर रोल प्ले करती ही नहीं है, उसे बिल्कुल ना के बराबर समझा जाता था। सिर्फ चार दीवारी में रहना, खाना भोजन तैयार करना और यही सब, और वुमेन वर व्यूड एज सबॉर्डिनेट टू मेल्स, उनको ये समझा जाता था कि वो हमेशा मेल्स के प्रति सबॉर्डिनेट है, यानी कि दास हैं उनकी। जब तक उनकी शादी नहीं होती पैट्रियार्ची फॉर्म में उनको दास बना के रखा जाता था, शादी के बाद हस्बैंड के घर। लॉज एंड रेगुलेशन इम्पोज्ड अपॉन देम बाय मैन, यानी अब आगे क्या होता था कि जो लॉज एंड रेगुलेशंस होते थे यानी जो नियम और कानून बनाए जाते थे वो उन पर थोपे जाते थे, वो भी एक तरीके से आदमी द्वारा बनाए जाते थे, और वो भी सारे जो रूल रेगुलेशन वगैरह थे वो भी आदमी द्वारा बनाए जाते थे, और वो भी औरत को दबाने के लिए ही। उन्हें सिर्फ ये माना जाता था कि वो मैरी करें यानी कि शादी करें, फैमिली बढ़ाएं और घर में एक बहुत अच्छी वाइफ और मदर होने की ड्यूटी निभाएं, और उन्हें कोई लीगल राइट नहीं थे यानी वोट देने का अधिकार नहीं था। पैट्रियार्ची में मतलब उनकी कोई पैटर्नल संपत्ति भी नहीं होती थी, उन्हें कोई हक नहीं था उनकी शादी कर देने के बाद पेरेंट्स को, उनको कोई प्रॉपर्टी देने का हक नहीं होता था। और इसका जो मेन कारण था वो पैट्रियार्ची ही था। औरत को ये भी, फीमेल को ये भी हक नहीं था कि वो अपनी पसंद से शादी कर सके। इवन उनको फैमिली में जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले जाते हैं वो भी नहीं लेने दिए जाते थे। पर क्या हुआ कि धीरे धीरे इस चीज़ ने बहुत सी औरतों के मन में एक बदलाव लाना शुरू किया, यानी कि उन्होंने अपने अंदर एक बदले की सी आग महसूस की। उन्होंने ये महसूस किया कि ये सिस्टम कहीं गलत है, मतलब औरतों को दबाया जा रहा है, कुछ ज़्यादा ही दबाया जा रहा है। तो जो उनके अंदर ये आग पैदा हुई तो वो सोशल रिफॉर्म के नाम से उभर कर आई, यानी कि उनके लिए सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल रोल शुरू हो गए, यानी औरत को ना अपना ये इम्पोर्टेंस लगने लगी कि औरत को भी सोशली इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले क्या हुआ, औरतों के कपड़ों में बदलाव आने लगा, उन्होंने कई जगह काम वगैरह शुरू करना शुरू किया, तो उन्होंने जो घर में ड्रेसेस पहने जाती थी उनका मतलब उनको त्याग दिया, और जैसे कि मेंस पहनते हैं थोड़ा उनके जैसे या उनसे थोड़ा कम, मतलब जो भी था बेटर था पहले की अपेक्षा, पहनना शुरू किया। तो उससे कई बार जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई औरत वर्किंग है तो कोट पैंट पहने हुए होती है या फिर कोई अलग ड्रेस पहनी होती है, डॉक्टर है तो पहने होती है, तो हम उसकी ड्रेस से थोड़ा अंदाज़ा लगाते ना कि हाँ कितनी अच्छी वूमेन है। तो इस तरीके से उनकी क्लोथिंग भी फैशनेबल हो गई, बदल गई, तो इस तरीके से औरतों को थोड़ा उनके मतलब ऐसे मिलने लगने लगा कि हाँ थोड़ा उनको हक मिलना शुरू हो जाएगा। फिर क्या हुआ उसके बाद कि 19th and 20th century में ज़्यादातर ये किए तो गए थे ये सारे रिफॉर्म, पर फिर भी उसके बाद भी आधे से ज़्यादा औरतें घर में ही रहती थी, यानी कि उन्हें घर का ही काम करना पड़ता था। ज़्यादातर इसकी जो प्रॉब्लम थी वो ये था कि उनको ये कह दिया जाता था कि बच्चे कौन संभालेगा, संभालो अपने आप अपने बच्चे। अब औरत का दिल माइल्ड होता है तो वो बच्चों को देखकर पिघलता है, तो औरत अपनी कई बार सेक्रीफाइस कर देती थी अपनी इच्छाओं का कि हाँ हमें तो बच्चों को पालना है। फिर धीरे धीरे 19th-20th century आते आते उन्होंने इस चीज़ को देखा कि बच्चों के पालन पोषण भी और अच्छा हो सकता है अगर वुमेन पढ़ी लिखी हो तो, यानी कि अगर औरतों को ये कहकर दबाया जाए कि तुम घर में रहो, बच्चे कौन पालेगा, वरना अच्छे से नहीं पलेंगे, औरत आदमी की देखभाल कौन करेगा, उससे ज़्यादा अच्छी देखभाल, उससे ज़्यादा अच्छी एजुकेशन बच्चों की जब हो पाती थी जब औरत पढ़ती लिखती थी, क्योंकि जब वो घर में रहती थी तो उसका दिमाग चार दीवारी में ही कैद हो जाता था और उसकी सोच भी ऐसी हो जाती थी जैसे कि उसको पैट्रियार्ची में दबा कर रखा गया, उसको हस्बैंड के यहाँ दबा कर रखा गया, तो वो भी आने वाली लड़कियों को ऐसे ही दबाती थी, यानी कि ये जो नैरोनेस ऑफ माइंड था ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जा रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत सी औरतों ने आवाज़ उठाई, उनको वोट का अधिकार मिला, फिर सोसाइटल एंड इकोनॉमिक चेंजेस हुए, रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई, उन्होंने बहुत ज़्यादा 80s में अपना अफेक्ट दिखाया। पता है क्या, मसाचुसेट्स में तो ऐसा था कि औरतों ने शादी ही करने से मना कर दिया था, 17,480 औरतें ज़्यादा थी वहाँ मेल्स के
रिगार्डिंग बताऊँ क्यों? क्योंकि वहाँ पर औरतें मना कर देती थी उनके शादी के लिए। वो कहती थी कि शादी एक अच्छी चीज़ नहीं है, औरत खुश नहीं रह पाती है। फिर उसके बाद जब सरकार ने ये चीज़ देखी कि औरतें शादी के लिए मना करती जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो सोसाइटी में जो भी रूल रेगुलेशन चल रहे हैं ये कहीं ना कहीं गलत है, तो इनको बदलने की ज़रूरत है। इस तरीके से उनके मतलब आई सबके मन में बात कि हाँ, रियलाइजेशन ऑफ वुमेन ऑफ राइट ज़रूरी है। इन अब देखिए, मैं आपको कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में बताऊंगी जिन्होंने कुछ काम किए सोशल रिफॉर्म लाने के लिए। इन 1848 एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन, इसे कभी हम स्टैंटन बोलेंगे कभी कैडी स्टैंटन बोलेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि मैं एलिजाबेथ की बात कर रही हूँ। इन्होंने सिनेका फॉल्स कन्वेंशन में ये कमिट किया कि सोशल जस्टिस हुआ होना चाहिए। सिर्फ मेल द्वारा लिखे गए कुछ पर्चे या मेल द्वारा बनाए गए कुछ सोसाइटी के रूल कभी भी वो लॉ में नहीं आते हैं, यानी कि हर लॉ सिर्फ औरत के लिए बनाया जाए तो ऐसा नहीं होता है। उन्होंने अपने कुछ राइटिंग्स लिखी, वुमेंस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा, उसमें इन्होंने लिस्ट बनाई औरत के पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सोशल ग्रीवेंसेस की, यानी कि उनके उन राइट्स की जो उन्हें चाहिए होते हैं। स्टैंटन और अदर वुमेन जो इसी तरीके के रिफॉर्म चाहती थी, उन्होंने इस बात को उजागर किया कि औरत को राइट ऑफ प्रॉपर्टी का हक होना चाहिए और औरत को आदमी की जगह, हालांकि वो काम आदमी के बराबर करती हैं पर उनको नौकरी कम मिलती है। आप आज भी देखेंगे तो लेबर में कहाँ देखा जाए तो आदमी को 500 रुपये मिलते हैं, औरत को 400 या 350 मिलते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। उन्होंने कहा कि औरत को पहली बात आदमी के बराबर काम तो करवा लिया जाता है पर वेजेस नहीं दी जाते उनके बराबर। और उन्होंने ये भी बोला कि ये बात चीज़ अब भी देखोगे आप एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ में, औरत को बहुत, लड़कियों को बहुत कम ही मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है करने की। लड़के को तो यह है कि अरे ये तो शादी के बाद भी हमारे पास रहेगा, करता रहे, पर लड़की को है जल्दी करो वरना शादी कर देंगे। ऑल दीज थिंग्स वर डूइंग एट दैट टाइम। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद उन्होंने जो ये डिक्लेरेशन की थी, ये वाली जो मैंने अभी आपको बताई वुमेंस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें इन्होंने ये ब्लेम किया सोसाइटी को कि जो ये औरत की पोजीशन है वो कहीं ना कहीं मेंस की वजह से है, क्योंकि मेन इस चीज़ को प्रमोट करते हैं फॉर देयर ओन कंफर्टेबल, यानी कि कंफर्टेबल स्टेट, वो अपने आप को कंफर्टेबल स्टेट में रखने के लिए औरत को दबाते हैं। कैडी स्टैंटन ने कहा कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन है बेस्ड ऑन सेक्स ये ख़त्म होनी चाहिए औरत आदमी की। तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी वुमेंस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में इक्वल राइट्स की बात की जो और रिफॉर्मर उनके साथ मिलकर चाहती थी, और उन्होंने एंकरेज किया वुमेंस राइट को। लूसी स्टोन एंड एंटोनी ब्राउन, इन्होंने भी, ये भी सोशल रिफॉर्मर थी, इन्होंने भी इच्छा जागृत की कि स्लेवरी का एंड किया जाए। एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन ने एबोलिशन एज ए सेकेंडरी रिफॉर्म मूवमेंट, उन्होंने दूसरी मूवमेंट की यानी कि क्रांति की, और एक बुक और लिखी, उन्होंने कुछ बुक्स लिखे, कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे, डॉक्यूमेंट्रीज लिखी। उन्होंने कहा कि प्रेजुडाइस अगेंस्ट सेक्स इज मोर डीपली रूटेड एंड मोर अनरीजनेबल मेंटेन दैन दैट अगेंस्ट कलर। इसका मतलब यह है कि आप देखोगे कभी भी आदमी कमा रहा हो तो औरत कितना दबके रहती है, बोलेगी कि अरे लड़का कमा रहा है उसको खाने को दो, उसको इस चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, खुद कम खाएगी, पर यह है वे है। लेकिन औरत कमा रही हो तो उसके लिए ये चीज़ें नहीं की जाती, बल्कि उसको ये कह दिया जाता है कि अरे इसे कमाई पर घमंड है, ये सबको दबाती है। तो मतलब प्रेजुडाइस अगेंस्ट सेक्स, यानी कि वही चीज़ आदमी कर रहा है तो उसको ये कहा जा रहा है कि हाँ ये कमा रहा है, घर में अर्निंग हो रही है, और औरत कमा रही है तो उसकी अर्निंग को कोई बिल्कुल इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जा रही है, और हाँ उसकी अर्निंग ले जा रही है और वो अर्निंग करती है उसका, पर उस पर हक नहीं होता। ऐसे ही लुक्रेशिया मोर थी, ये एक अफ्रीका की थी, एक एबोलिनिस्ट थी और रिफॉर्मर भी थी। इन्होंने वुमेंस इक्वल पार्टिसिपेशन पर और एंटी स्लेवरी सोसाइटीज़ पर भी बहुत काम किया। एक हैरियट टबमैन थी, ये भी सोशल रिफॉर्मर थी। इन्होंने आइडिया ऑफ यूनिवर्सल फीमेल सफरेज को भी सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि औरत को दास्ता से मुक्त कराना ही चाहिए। कैंसस ऑल्सो फोट फॉर द राइट टू वोट फॉर वीमेन, इन्होंने भी राइट टू वोट फॉर वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा फाइट किया। उसके बाद आपका 80s में क्या हुआ, वुमेंस राइट एंड एवोल्यूशन वर जॉइंड बाय एजुकेशन रिफॉर्म एंड टेम्परेंस एज सिग्निफिकेंट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस इन 80s, यानी कि औरतों को एजुकेशन रिफॉर्म के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा गया। उन्हें कहा गया कि सिर्फ औरत बड़ी हो जाती है उसको तभी पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी जो पढ़ाई एजुकेशन है शुरू से ही होनी चाहिए ताकि उसको पहले से ही ब्रॉडनेस ऑफ माइंड काम करती रहे और औरत को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले जो काम बताया गया, उन्होंने ये कहा कि
औरत को टीचर का काम सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि औरत बहुत माइल्ड होती है, बहुत ही लविंग होती है, केयरिंग होती है, तो उसको अगर टीचर का काम दिया जाए तो वो बहुत अच्छे से कर पाएगी। पर ये नहीं था सिर्फ टीचर का ही काम, उसके बाद धीरे धीरे जब औरतों ने टीचर के काम को भी बहुत अच्छा किया तो लोगों ने उनकी सराहना की। इस तरीके से औरतों ने ये भी दिखाया कि वो और भी सेक्टर्स में अच्छा कर सकती हैं। इसके बाद जब उन्होंने 19th century तक अपने आप को प्रूव करके दिखाया, फिर वुमेन्स कॉलेजेस बिगिन टू इमर्ज एंड मैनी मिडवेस्टर्न स्टेट यूनिवर्सिटीज ओपन देयर डोर्स टू बोथ सक्सेस। उसके बाद क्या हुआ, औरतों सब लोगों ने उनका काम देखा, फिर ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ औरतों को नहीं दिया जाता था एडमिशन, उसके बाद दोनों को दिया जाने लगा, औरतों को आदमी को दोनों को, यानी कि मेल फीमेल दोनों को दिया जाने लग गया। सुसन्ना हजवेल रॉसन ने ये देखा कि सिर्फ औरत को बड़े होने पर ही शिक्षा मिले, इससे उनकी काफ़ी हद तक शिक्षा पीछे रह जाती है, तो उन्होंने मसाचुसेट्स बोस्टोन में छोटे लड़कियों की स्कूल्स वगैरह के ऊपर भी ध्यान दिया। WCTU ये एक एसोसिएशन था, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई कि जब आदमी बहुत ज़्यादा पी लेता है तो वो औरत के मेंटली स्ट्रेस देता है, मतलब ये औरत की मेंटली स्टेट का कारण बनता है, और औरत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, यानी उनको घरों में परेशान रखा जाता है। पैट्रियार्जी ये कह देती है, मतलब उनके पेरेंट्स ये कह देते हैं कि जाओ अपने हस्बैंड के घर में रहो, और हस्बैंड उन्हें जानबूझ के सही नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस कंज्यूम करते हैं वो एक्सेस अल्कोहल, जिसकी वजह से घर बर्बाद होते हैं। तो उन्होंने इस एसोसिएशन के थ्रू ये आवाज़ उठाई कि अल्कोहल का कंजम्पशन बंद करना चाहिए, और सिर्फ उतनी ही अल्कोहल ज़रूरी हो जो ठंडे प्रदेश में ज़रूरी है, और जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ पर बैन करा जाना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर भी बहुत अच्छे से आवाज़ उठाई गई। तो गाइस ये था आपका सोशल रिफॉर्म का, आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, और आपको अगर और कोई भी वीडियो चाहिए हो इंग्लिश ऑनर से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये कमेंट मैंने बहुत काफ़ी देर में पढ़ाई, सोशल रिफॉर्म का ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी। सो थैंक यू गाइज़।